भगवान श्री कृष्ण पांडव लोग राजसूय यज्ञ कर रहे थे ना, तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण गए थे, तो वहाँ में देखा भगवान श्री कृष्ण के पहले पूजा करना है ऐसा करके वो बातचीत हो रही थी, तो उसका बुआ का बेटा था शिशुपाल, वो बोला अरे इसकी पूजा क्यों करेगा, वो गाली देना शुरू कर दिया, गाली दे दी, इतना गाली दिया 101 गाली हो गया। ये गाली सुनकर भगवान कृष्ण ने एक बेकार में गाली दे करके इसने अपना वो चक्र सुदर्शन भगवान कृष्ण का हाथ लेगा वो छोड़ दिया और शिशुपाल का गला कट दिया। गला कटने के बाद में क्या, जब चक्र सुदर्शन जब वापस आया तो देखा भगवान श्री कृष्ण के हाथ जो है ना, उंगली जो है ना यहाँ से ये कट गया, कटने से क्या हुआ, खून आ रहा था, खून आने से देखा तो वहाँ पे द्रौपदी बैठी थी, पांडवों की पत्नी थी ना द्रौपदी, लेकिन वहाँ पे देखो राजसूय यज्ञ में सबके सब बैठे हैं, कौरव भी बैठे हैं, पांडव बैठे हैं, भीष्म पितामह हैं, गुरुद्रोण हैं, बहुत लोग बैठे हैं, पर खून निकल रहे, कोई बंद करने के लिए नहीं आ रहा। द्रौपदी अपनी जैसे साड़ी को फाड़ करके वो भगवान श्री कृष्ण के उंगली में बांधा था, उससे ब्लड आना बंद हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अरे देखो अपनी ये महंगी साड़ी को फाड़ करके ये मेरे खून को बंद किया, मेरी उंगली को बांधा, मौका आने से मैं इसको जरूर मदद करूँगा, क्योंकि ये मुझे मदद किया है इसलिए मैं भी इसका मदद करूँगा। इसलिए द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने इतना साड़ी दिया, आप लोगों ने देखा होगा इतना साड़ी दिया, तो उसका इज्जत बच गई। तो ये होते हैं भगवान और भक्त में संबंध। तो हम लोग भी ऐसे बस्ती में जाते हैं, देखते हैं भाई एक बस्ती है, यहाँ लोग बेचारा ठंड है, ठंड से लोगों को बचाना है, इनको भी कष्ट होता है, शरीर है, इसलिए ये ठंड से बचना है, बचाना है करके ये कंबल लाए हैं। आप लोग कंबल अच्छा से यूज़ कीजिएगा, और हम लोग भी कहीं दूसरे जगह से लाते हैं, हमारा भी सोर्स है, उन लोग भी हम लोग को डोनेशन हिसाब से देते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करना है। और जो भगवान रामकृष्ण मिशन, जो भगवान रामकृष्ण के नाम से रामकृष्ण मिशन है जो स्वामी विवेकानंद ने बनाया, तो हम उन्हीं के इशारे पे चलते हैं, उनका आशीर्वाद चाहिए, इसलिए उनका इस पर जोरदार जय बुलाएंगे। और ये धरती माँ में रहते हैं, धरती माँ का अन्न खाते हैं, जल पीते हैं, इसलिए उनका भी जय, इसलिए सब लोग हाथ ऊपर करके जय बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, रामकृष्ण देव की जय, स्वामी विवेकानंद की जय, शारदा देवी की जय। थैंक यू। अब लोग जैसे जैसे नाम बुलाएंगे ना, हम बोलेंगे, हाँ आप एक करके।